रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम फटर किचन में बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी सिंधी बिरयानी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सिंधी बिरयानी। मेरी रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, माय आल रेसिपी को सेलेक्ट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त सिंधी बिरयानी। सबसे पहले हमने एक कप ऑयल ले लिया। अब इसमें ऐड करेंगे दो अदद प्याज, जिसकी हमने रफली कटिंग कर ली है। मिक्स कर लेंगे। दूसरी तरफ हमने एक किलो हमने चिकन लिया। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 चम्मच मेथी पिसी हुई, 1 टेबलस्पून खुश धनिया पिसा हुआ, 2 टेबलस्पून बिरयानी मसाला। आप भी कोई सा भी बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून दही। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे गोश्त को। 2 अदद नींबू का रस ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। प्याज को हम निकाल लेंगे। 2 अदद तेज़पात, 3 स्टिक दालचीनी, 1 अदद काली इलायची, काली मिर्च और लौंग इसमें ऐड करेंगे, मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट, मिक्स कर लेंगे। 2 टेबलस्पून पानी, 8 चिकन मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी चिकन फ्राई हो रही है। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून इमली, 3 अदद बड़े साइज के टमाटर जिनकी हमने रफली कटिंग कर ली है, मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून नमक, आप हसबी जायका भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्स कर लेंगे। 1 टेबलस्पून जिसके अंदर हमने चिकन मैरिनेट की थी वो मसाला, 1.5 टेबल स्पून गरम मसाला, मिक्स कर लेंगे। हम ढक देंगे तकरीबन 2 मिनट तक। 2 मिनट हो चुके हैं, मिक्स कर लेंगे। फिर चुटकी फूड कलर, मिक्स कर लेंगे। हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब मसाले को करेंगे साइड पे। अब चावल बॉईल करेंगे। 1 किलो हमने सेला चावल लिए, जिनको हमने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। हमारे पानी में बॉईल आ रहा है। अब इसमें ऐड करेंगे 1 अदद तेज़पात, 3 दालचीनी स्टिक, लौंग और काली मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक, हसबे जायका भी ऐड कर सकते हैं, और ये 2। अब इसमें ऐड करेंगे चावल। इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल और इन चावलों को हम हाफ बॉईल करेंगे, फुल बॉईल नहीं करेंगे। पॉइंट पर हमने 1/2 कप दही ऐड कर दिए, मिक्स कर लेंगे। दो मिनट हम भून लेंगे अपने मसाले को। इस तरफ हमारे अच्छे तरीके से चावल बॉईल हो चुके हैं। अब इसकी आंच ऑफ़ कर देंगे। मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप पानी। मिक्स कर लेंगे। अब हम चावलों को छन्नी की मदद से छान लेंगे। मसाले का हमने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल निकाल दिया है। टमाटर जिनकी हमने गोल कटिंग की हुई है और कुछ नींबू की स्लाइस, हरा धनिया, जो हमने प्याज फ्राई की थी वो, इसके ऊपर हमने बॉयल चावलों की तह लगा दी है। इसके ऊपर हरे फ्राई प्याज, टमाटर और जैसे निकालता ऐड कर दिए। 15 मिनट तक हमने अपनी सिंधी बिरयानी को दम पे रख दिए। अभी बस 15 मिनट हो चुके हैं हमारी सिंधी बिरयानी को। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, कितनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
माशाल्लाह हर दाना चावलों का निखर निखर है। हम अपनी सिंधी बिरयानी को डिश आउट कर रहे हैं। माशाल्लाह व्यूअर, सुभान अल्लाह, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब सिंधी बिरयानी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट तैयार हुई है। आप देख सकते हैं हमारी सिंधी बिरयानी का हर एक एक चावल का निखरा निखरा। आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। माय ऑल रेसिपी को सिलेक्ट कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह नेगेबान।